हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं नंदा माता के। नंदा माता का आज डोला उठने वाला है, नंदा से नंदा माता का। तो देखते हैं वहाँ पे जाते हैं। वाला का क्या मतलब आज वो विदा होने वाली है, तो देखते हैं आज कैसा रहता है वहाँ पे। अगर ज़्यादा रश होगा तो हम तो खैर दूर से देखेंगे, तो चलो चलते हैं। तो गाइज़ हम निकल चुके हैं। वैसे तो आज भी मेरा ऑफिस वर्किंग है, लेकिन मैंने आधे घंटे का टाइम निकाला है क्योंकि मुझे निक्कू को माता रानी का डोला दिखाना था। जो बच्चे उत्तराखंड से बाहर रहते हैं वो ये सब चीज़ें देख नहीं पाते, इसलिए उन्हें अपना कल्चर नहीं पता चल पाता, लेकिन पता होना चाहिए। माता नंदा सुनंदा का ये फंक्शन उत्तराखंड में मनाया जाता है, जिसमें माँ नंदा सुनंदा की 8 दिन तक पूजा करने के बाद 9वें दिन उनका डोला उठता है, यानी कि उन्हें विदा किया जाता है। तो आप ये सब देखिए कि कैसे सारे लोग इकट्ठे होके माता को विदा कर रहे हैं। Yeah.
देखिए कुछ लोगों पे माता भी आई हैं जो यहाँ पे माना जाता है, और वो खुशी से आपको झूमते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस हम आ चुके हैं वहाँ से वापस, और कैसे एक्सपीरियंस था आपको, कैसा लगा? बहुत अच्छा और भयानक। हाँ, क्योंकि निकू तो फर्स्ट टाइम कोई ऐसा, मतलब निकू ने फर्स्ट टाइम देखा, हमने तो पहले भी देखा है बचपन में, काफी बार आपको जाते थे। ज्यादा लगा नहीं होगा ना, मैं तो बहुत अजीब और डरावना लगा। हाँ, जो भी था अच्छा एक्सपीरियंस था आज का, बहुत सालों बाद हमने डोला देखा, और स्पेशली निक्कू के लिए, क्योंकि निक्कू ने फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखी, और तो थोड़ा वो यहाँ के कल्चर से उससे वो थोड़ा फैमिलियर हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि होना चाहिए, अपनी कल्चर पता होना चाहिए। एग्जाम्पल तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।